फेस्टिवल सीजन लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो प्लेस है वो पहले से ही क्या है बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे क्राउड है वहाँ पे क्यों क्योंकि ये किसका समय चल रहा है फेस्टिवल का देयर वर रॉज एंड रोज ऑफ शॉप्स सेलिंग स्वीट्स टॉयज क्लॉथ फुटवेयर यूटेंसिल्स इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स देयर वॉज ए डेंटिस्ट क्लिनिक ऑल्सो एट वन साइड यानी जो मार्केट में आपकी शॉप्स होती हैं उनके बारे में दिया है कि एक लाइन में बहुत सारी इस तरह की शॉप्स हैं और वहीं पास में ही एक डेंटिस्ट का क्लिनिक भी है माई कज़न हैड एन अपॉइंटेड विद दी डेंटिस्ट और मेरे कज़न का क्या था अपॉइंटमेंट था उस डेंटिस्ट के साथ वी वॉन्ट देअर फर्स्ट टू शो देट वी वुड नॉट मिस अवर टर्न हम वहाँ जल्दी पहुँचना चाहते थे क्योंकि हम मिस नहीं करना चाहते थे अपना टर्न आता ना आप किसी क्लिनिक पे गए गय होगे तो वहाँ पे नंबर से बुलाते हैं वो तो वहाँ पे वही बात हो रही है कि जब हम बैठते हैं वेट करते हैं तो वा, वन बाई वन करके नंबर आता है वी हैड टू टू वेट फॉर ए वाइल इन ए रूम बिफोर सी वॉज कॉल्ड इन साइड तभी उसका नाम बोला गया द डेंटिस्ट एक्समाइंड हर एंड आस्क हर टू कम बैक द फॉलोइंग डे टू गेट ए कैविटी इन हर टूथ फील्ड डॉक्टर ने उसको चेक किया और उसे कहा कि उसको दांत को फिलअप करना है कैविटी उसके दांतों में हो गई है कैविटी नहीं आपके जो एक तरीके बैक्टीरिया होते हैं उस तरह का <coughs> तो माई कज़न वॉज स्केयर्ड बिकॉज सी थाट द प्रोसेस वुड बी पेनफुल अब वो जो उसका कज़न था वो क्या बहुत ज़्यादा डर गया और सोचने लगा इसकी जो प्रोसेस होती है वो, वो काफ़ी पेनफुल होती होगी वाज अपसेट दैट सी हैड अलाउड हर टीथ टू तो गो बैड अब उसे ऐसा लगा है कि उदास हो गया वो कि शायद उसका जो दांत है वो कैसा हो गया खराब हो गया है है ना फ्रॉम द डेंटिस्ट क्लिनिक सी टुक मी ए न्यू गारमेंट शोरूम बिकॉज आई वॉन्ट टू वाई सम रेडीमेड क्लॉथ्स उसके बाद वो किस में मुझे ले गया एक गारमेंट शोरूम में क्योंकि उसे कुछ कपड़ों की ज़रूरत थी रेडीमेड की द शोरूम हैड थ्री फ्लोर्स जिस शोरूम में गया वो तीन मंजिला था ईच फ्लोर हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स वी वेंट टू दी थर्ड फ्लोर वेयर क्लॉथ फॉर गर्ल्स फॉर कैप्ट हम थर्ड फ्लोर में गए जहाँ पे लड़कियों के स्पेशली कपड़े थे हरप्रीत एंड बंदना बिजनेस पर्सनस अब यहाँ पे दो गर्ल्स के बारे में दिया है कि हरप्रीत हैं और वंदना हैं जो क्या है बिजनेस पर्सन है तो माय फादर एंड अंकल वर्कड इन ए स्मॉल शॉप्स यानी उसके फादर और उसके अंकल एक छोटी सी स्मॉल सी शॉप में काम करते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम एंड ऑन संडे माय मदर एंड आई हेल्प देम इन द शॉप यानी संडे वाले दिन वो अपनी मम्मी की हेल्प भी करती है आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर वन कंप्लीटेड माई कॉलेज हरप्रीत कह रही है कि वो काम करने के बाद फिर मैं अपना कॉलेज अटेंड करती हूँ वी ओपन द शोरूम समयस एगो कुछ साल पहले खोला था आए में ड्रेस डिज़ाइनर कि मैं ड्रेस डिज़ाइनर हूँ अवर बिजनेस हैज़ चेंज्ड अब हमारा बिजनेस चेंज हो गया है दिस डेज पीपल प्रिफर टू बाय रेडीमेड क्लॉथ्स रैदर देन हैव दे स्टिच दे ट्रेंड दिस डेज इन इज फॉर रेडीमेड गारमेंट्स अब वो क्या कह रही है कि अब मेरा बिजनेस चेंज हो गया है अब ट्रेंड बदल गया है लोग बने बनाए कपड़े खरीदते हैं अब बात कोई नहीं है तो यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर देम वंदना कह रही है इसलिए तुम्हें एक दूसरी जगह ढूंढनी चाहिए शोरूम के लिए फॉर आवर शोरूम वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेस वी बाय मोस्ट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम मुंबई अहमदाबाद लुधियाना एंड त्रिपुरा जो उसके यहाँ से मटेरियल है वो इतनी जगह से आता है सब मटेरियल आल्सो कम फ्रॉम नोएडा एंड गुरगांव नोएडा और गुरगांव से भी आता है टाउन नीयर दिल्ली दिल्ली के पास जो टाउन है वी गेट्स सम ड्रेस आइटम तो फ्राम फॉरन कंट्रीज कुछ हम फॉरन कंट्री से भी मंगाते हैं देर आर सेवरल थिंग्स बी नीड टू डू रन दिस शोरूम प्रॉपरली बी एडवरटाइज इन वेरियस न्यूज़ पेपर्स सिनेमा थिएटर्स टेलीविजन एंड रेडियो चैनल्स यानी वो उसने कुछ अलग काम किया अपने शोरूम के लिए कि शोरूम प्रॉपर तरीके से चले इसने अपने शोरूम का क्या किया प्रचार किया है एडवर्टाइजमेंट किया विज्ञापन किया रेडियो के जरिए टेलीविजन के जरिए और इन सब के जरिए करेंटली द बिल्डिंग इज रेंटेड बट सून वी प्लान टू बाय इट अभी तो फ़िलहाल किराए पे ले रखी है बिल्डिंग लेकिन जल्दी ही वो क्या है इसे ख़रीद लेंगी इवन सिंस दिस मार्केट हैज़ बिकम द मेन मार्केट फॉर पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग अपार्टमेंट अवर बिजनेस हैज़ ग्रोन ये जल्दी ही एक प्रॉपर जगह बन जाएगी क्योंकि यहाँ पे लोग धीरे धीरे सेटल होते जा रहे हैं इसलिए हमारा बिज़नेस और जाना बढ़ेगा वी हैव बीन एबल टू बाई ए कार एंड बुक ए फ्लैट इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नियर बाई उन्होंने भी जल्दी ही क्या कर लिया है एक कार खरीद ली है और एक फ्लैट भी बुक करा लिया है लेट लाइक हरप्रीत एंड बंदना देर आर मैनी पीपल्स हु ऑन शॉप्स इन द वेरियस मार्केट ऑफ द सिटी हरप्रीत और बंदना जैसे कई लोग हैं जैसे मार्केट में उनकी दुकानें होती हैं दीज शॉप्स में भी इस्मॉलॉल और लार्ज एंड दे सेल डिफरेंट थिंग्स तो ऐसे लोगों की कुछ छोटी भी दुकानें होती हैं कुछ लोगों की बड़ी होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स वो बेचते हैं मोस्ट बिजनेस पर्सनस मैनेज देयर ऑन शॉप्स और बिजनेस सबका अपना अपना बिजनेस होता है शॉप होती है दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाई एनी वो किसी के द्वारा एम्प्लॉयड नहीं होते हैं वट दे डू एम्प्लॉय ए नंबर ऑफ अदर्स एज सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को काम देते हैं है ना दे आर परमानेंट शॉप्स दैट आर गिवन इन एन ए लाइसेंस डू बिजनेस बाय द म्युनसिपल कॉरपोरेशन और जो बिजनेस करना चाहते हैं कुछ लोग उनसे मुंसिप कॉरपोरेशन है वो क्या देती है लाइसेंस देती है द मुंसिपल कॉरपोरेशन आल्सो डिसाइड ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज़ टू रिमेन क्लोज फॉर एग्जाम्पल द शॉप इन द दबर मार्केट आर क्लोज ऑन बेनजे दिस मार्केट ऑल्सो हैज स्मॉल ऑफिस एंड शॉप्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंक्स करियर्स सर्विसेज एंड अदर्स आपने देखा होगा मार्केट पर्टिकुलर एक ना एक दिन बंद रहता है और कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं मार्केट में कुरियर्स वाले हैं बैंक्स हैं सर्विस ये सब क्या है सिटीज़ की सर्विसेज होती हैं इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया अब हम बात करेंगे इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया की तो आई वॉन्ट टू हैव जरी वर्क डन ऑन वन ऑफ माई ड्रेस विच आई नीड इट फॉर ए स्पेशल अकेज़न स्पेशल अकेज़न के लिए उसे ज़रूरत है इस तरह की ड्रेसों की जरी जरी का काम क्या होता है बहुत सुंदर काम होता है बड़े बड़े शहरों में अहमदाबाद जैसे शहरों में लखनऊ जैसे शहरों में बनारस में इसमें क्या होता है ड्रेस के ऊपर सोने के तारों से सिलाई होती है स्टिच स्टिचिंग होती है बुनाई होती है बीवरिंग होती है बहुत अच्छा जरी का काम होता है ड्रेसेस महंगी बहुत होती हैं माय कज़न सेड दैट सी न्यू निर्मला हु वर्क इन ए गारमेंट्स फैक्ट्री निर्मला है वो किसमें गारमेंट की फैक्ट्री में काम करती है निर्मलाज नेवर्स डू जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी यानी निर्मला के जो पड़ोसी हैं वो जरी का काम करते हैं एम्ब्रॉयडरी यानी वही वीवरिंग का काम बहुत सुंदर सो वी कॉट ए बस एंड हैडेड टू द फैक्ट्री रन वो डेली एक बस पकड़ती है और फिर वहाँ से वो अपने फैक्ट्री जाती है दिस बस वाज रेली क्राउडेड और वो बस कैसी होती बहुत ही भरी हुई रहती है हमेशा भीड़ रहती है उसमें एट एवरी स्टॉप मोर एंड मोर पीपल गॉट ऑन एंड हार्डली एनी वन टू गेट ऑफ किसी को भी सीट नहीं मिलती इतनी हर अगले स्टॉप पे भीड़ बढ़ती चली जाती है माई कजन गाइडेड मी टू ए कॉर्नर सो दैट वी वुडेंट गेट स्क्वेस्ड अब उसे भी एक जो उसके कज़न की जो दुकान है बहुत ही बिल्कुल शहर के कोने में इसलिए उसे भी ये सब झेलना पड़ता है आई वॉन्डर्ड हाउ पीपल ट्रेवल लाइक दिस एवरी डे वो बड़ा आसचगित करती कि लोग हज़ारों की संख्या में डेली ऐसे कैसे सफ़र करते हैं एज द बस इंटर द फैक्ट्री एरिया पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ वैसे ही उतरना चालू कर देते हैं वी ऑल्सो गॉट ऑफ सून एट ए क्रॉसिंग और वो भी जल्दी क्रॉसिंग पे उतरने वाले हैं वट ए रिलीफ दैट वॉज कितना रिलीफ होता है जब पहुँचने वाले होते हैं देर वार ए लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल सिटिंग ऑन रेलवे और ए ग्रुप्स ऑफ एट क्रॉसिंग आप वो बता रहे हैं। जैसे ही उतरते हैं तो देखते हैं बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए मिलते हैं रेलिंग पे ग्रुप में दे सिम टू बी वेटिंग फॉर समन समन ग्रुप्स हैड पीपल इन स्कूटर्स स्टैंडिंग बाई टॉकिंग विथ दैम्स स्कूटी स्कूटर्स पे बैठे हुए हैं कुछ बातें कर रहे हैं माई कज़न एक्सप्लेन दैट दिस प्लेस वॉज कॉल्ड लेवर चौक और वहीं इसे क्या कहते हैं जहाँ पे इस तरह बैठे रहते हैं लेवर चौक दी ज दिज वर डेली वेज़िज़ वर्कर हु वर्क एज हेल्पर टू मैंसन देग एट ए कंस्ट्रक्शन साइट लिफ्ट लोडेड और अनलोडेड ट्रक्स इन द मार्केट यानी ये लेबर चौराह होता है हर शहर में एक लेबर चौरा होता है जहाँ पर सिटी के लोग होते हैं जिन्हें अपने घर का काम कराना होता है तो वहाँ पर आपको हर प्रकार का लेबर मिल जाता है लेबर चौराह पे ठीक है चलिए तो टेलीफोन केबल्स एंड ऑल्सो बिल्ड रोड्स देर आर थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल वर्कर इन द सिटी यानी हर तरह के काम करने वाले वहाँ पर आपको वर्कर मिल जाएंगे वी इंटर द फैक्ट्री एरिया टू फाइंड इट फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप जैसे इंटर करते हैं वहाँ पर बहुत सारी स्मॉल वर्कशॉप हमें दिखने लगती हैं दे आर सिम टू बी एंडलेस रॉज ऑफ़ दैम बिल्कुल ना ख़त्म होने वाली इस तरह की आपको लाइन मिल जाएगी इन वन सेक्शन वॉज वी वर्किंग इन ए स्मॉल रूम ऑन स्विंग मशीन्स वेयर क्लॉथ वॉज बींग स्टिच्ड ऐसे ही एक रूम है जहाँ पर सिलाई होती है और कपड़ों को सिला जाता है वन पर्सन ओपेंड वन सुइंग मशीन्स क्लॉथ दैट हैड बीन स्टिच बर स्टैक्ट ऑन वन साइड ऑफ द रूम इसी तरह के हमें कपड़े सिलते हुए लोग नजर आ जाते हैं बी लोकेटेड निर्मला इन द स्टिचिंग यूनिट्स हमने निर्मला के स्टिचिंग यूनिट्स को देखा सी वॉज हैप्पी टू मीट माई कज़न एंड प्रोमिस टू गेट जरी वर्क डन ऑन माई ड्रेस जरी का काम कर देगी उसने कहा निर्मला वर्क्स एज ए टेलर इन एक्सपर्ट गारमेंट्स यूनिट्स एक्सपर्ट जो एक्सपोर्ट होता है यहाँ से बाहर जो सामान जाता है यानी आपका क्लॉथ जाता है गारमेंट्स जाता है उस यूनिट में काम करती है कौन निर्मला द फैक्ट्री वेयर सी वर्क्स मेक्स मेक्स क्लॉथ्स पीपुल इन फॉरिन कंट्रीज़ लाइक यू एस ए यू ए जर्मनी एंड द नीदरलैंड वर्कर्स लाइक निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स इन द मंथ्स फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल ए नॉर्मल वर्किंग डे बिगन एट नाइन ए एम एंड फिनिशिंग ओनली वाई टेन पी एम समटाइम्स इवन लेटर सी वर्क फॉर सिक्स डेज ए वीक अब सप्ताह में सात दिन होते हैं तो छः दिन यहाँ काम होता है एट टाइम वेन वी वर्क नीड टू बी डन अर्जेंटली और जब जरूरत पड़ती है तो अर्जेंटली काम भी होता है सी वर्क्स ऑन संडे तो उस दिन संडे को भी काम होता है निर्मला इज़ पेड फॉर एट्टी डे फॉर एट आवर्स डेली का अस्सी रुपये मिलता है आध घंटे का वाई एक्स्ट्रा फॉर वर्किंग लेट लेट अगर काम करते हैं तो चालीस रुपये और एक्स्ट्रा मिलता है जून द वर्क इज़ ओवर एंड दी फैक्ट्री रिड्यूस इट इट्स जून में काम ख़त्म हो जाता है तो अपने फैक्ट्री स्टाफ को क्या कर दिया जाता है कम कर दिया जाता है निर्मला विल ऑल्सो बी आज टू लीव आल जो निर्मला है वो भी छोड़ देती है फॉर अबाउट थ्री और फोर मंथ्स तीन चार महीने के लिए इन द ईयर देर इज नो वर्क फॉर हर मोस्ट वर्कर लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन वॉट इज नाउन एज कैजुअल बेसिस जैसे निर्मला जैसे लेबर उन्हें क्या कहा जाता है कैजुअल बेसिस जब जरूरत पड़ती है कंपनियां उन्हें रख लेती हैं जब काम नहीं होता है तो उन्हें निकाल देती हैं दे आर रिक्वायर्ड टू कंपनी एज द वैन एम्प्लॉयर नीड्स दैम जब ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें फिर रख लिया जाता है दे आर एम्प्लॉयड वेन द एम्प्लॉय गेट्स लार्ज ऑर्डर और ड्यूरिंग सर्टन सीजन्स जब बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है या जो सीजन होती है निश्चित तब उन्हें फिर से रख लिया जाता है एट अदर टाइम्स ऑन द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क और बाकी समय में ये लोग काम देखते हैं जॉब्स लाइक निर्मलाज आर नॉट परमानेंट निर्मला का जो जॉब है परमानेंट नहीं है इफ़ वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशन दे आर आज टू लीव तो उन्हें कह दिया जाता है आप यहाँ से छोड़ दो देर इज नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन है यहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है प्रोटेक्शन भी, भी नहीं है सुरक्षा भी नहीं है इफ़ देयर इज़ इल ट्रीटमेंट बीमार पड़ जाए तो दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स तब भी उन्हें बहुत समय तक काम करना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल इन द क्लॉथ मिल यूनिट्स द वर्कर वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट विद ईच शिफ्ट लास्टिंग ट्वेल्व आवर्स बारह घंटे की होती है वन वर्कर वर्क ऑन वन मशीन्स फॉर ट्वेल्व आवर्स एक वर्कर एक मशीन पे बारह घंटे काम करता है एंड देन इज रिप्लेस्ड बाई अनदर ऑन द सेम मशीन्स फॉर द नेक्स्ट ट्वेल्व आवर्स फिर उसी मशीन पे दूसरा वर्कर बारह घंटे काम करता है है ना? चलिए इन द ऑफिस एरिया माई आंट सो दर्क एज ए मार्केटिंग मैनेजर सी हैड आस टू अस रीच आर ऑफिस बिफोर फाइव थर्टी पी एम वी we वी वी हैड गेट लेट सो वी टुक एन ऑटो रिक्शा दैट मैनेज टू गेट अस देर जस्ट ए टाइम तो हमें कभी कभी लेट हो जाते हैं तो ऑटो रिक्शा करते हैं और टाइम से अपने पहुंच जाते हैं हर ऑफिस बाज इन एन एरिया सराउंडेड बाई टेल बिल्डिंग्स उसका जो ऑफिस है बहुत बड़ी बिल्डिंगों के बीच में है देर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल कमिंग आउट हंड्रेड्स पीपल्स कमिंग आउट यानी काम करते हैं सम हेडेड फॉर कार पार्क वाइल अदर वेंट टू वर्ड्स द्रॉ ऑफ बसेस कुछ कारों से आते हैं कुछ अपने बसेस से आते हैं मायाटीज ए मार्केटिंग मैनेजर इन ए कंपनी विच मैनुफैक्चर बिस्किट्स मतलब एक मार्केटिंग मैनेजर है जो बिस्कुट का मैनुफैक्चरिंग करती है द फैक्ट्री वेयर द बिस्किट आर मेड इज आउट आउटसाइड द सिटी सी सुपरवाइज द वर्क ऑफ फिफ्टी सेल्स पर्सन हु ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी दे गेट ऑर्डर फ्रॉम शॉपकीपर्स एंड कॉल्ड पेमेंट फ्रॉम देम सी हैड डिवाइडेड द सिटी इनटू सिक्स रीजन्स एंड वन ने वी सी मीट्स द सेल्स पर्सन ऑफ ईच रीजन्स और जहाँ पे ये काम चल रहा है वहाँ पे छः भागों में बटा हुआ है रीजन और हर एक में एक जो रीजन का वो सुपरवाइज करता है और उनकी मीटिंग होती है सी चेक्स देअर प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड डिस्कस प्रॉब्लम दे फेस और उनकी प्रोग्रेस में डिस्कसन करते हैं और प्रॉब्लम जो आती है उन पर भी फ़ेस करते हैं वो सी हैज़ टू प्लान द सेल्स इन द इंटायर सिटी एंड ऑफन हैज़ टू वर्क लेट एंड ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेज सी गेट्स ए रेगुलर सैलरी एवरी मंथ एंड इज ए परमानेंट वर्कर विद द कंपनी और वह क्या है एक परमानेंट वर्कर है और उसे प्रॉपर सैलरी आती है सी कैन एक्सपर्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो कई सालों से ये काम कर रही है बींग ए परमानेंट वर्कर सी ऑल्सो गेट अदर बेनिफिट्स सच एज ए फॉलोइंग उसे परमानेंट वर्कर है इसलिए बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं सेविंग फॉर ओल्ड एज बुढ़ापे के लिए सेविंग्स है ये पार्ट ऑफ हर सैलरी इसके अपीन ए फंडी गवर्नमेंट गवर्नमेंट के फंड में जाता है सी विल ऑन इंटरेस्ट ऑन दिज सेविंग्स और इन सेविंग्स पर उसे इंटरेस्ट मिलता है वैन सी रिटायर फ्रॉम दिस जॉब सी विल गेट दिस मनी एंड सी कैन देन लिव ऑन देट हॉलीडेज सी गेट ऑफ ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज़ शी आल्सो गेट्स सम डेज एज एनुअल लीव कभी कभी एनुअल लीव पे भी उन्हें छुट्टी भी मिलती है मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर हर फैमिली हर कंपनी पेज़ द मेडिकल एक्सपेंसिजू सेटेन अमाउंट फॉर हर एंड हर फैमिली मेम्बर मेडिकल सुविधा भी मिलती है उनके परिवार को शी गेट्स मेडिकल लीव इफ़ शी फेल इल जब कभी वो बीमार पड़ जाती है तो उसे मेडिकल लीव भी दी जाती है एंड हर सैलरी इज़ नॉट कट इफ़ सी टेक्स दिस लीव और इसके लिए उसे सैलरी भी नहीं कटती है देर आर मैनी वर्कर्स इन दिटी हु वर्क इन ऑफिस फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेयर दे आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स दे अटेंड द सम ऑफिस ऑफ फैक्ट्री रेगुलरली रेगुलरली जो अटेंड करते हैं देयर वर्क इज़ क्लियरली आइडेंटिफाइड जिनका आइडेंटिफाई है जॉब दे गेट ए रेगुलर सैलरी वे रेगुलर सैलरी पाते हैं लाइक कैजुअल वर्कर्स और कैजुअल जो वर्कर होते हैं वो इस इस तरह की कोई सुविधा नहीं पाते दे विल नॉट बी आंस टू लीव इफ द फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क जब जाना काम नहीं होता फिर भी इन लोगों को नहीं कहा जाता कि आप फैक्ट्री को छोड़ दो एंड द एंड ऑफ द डे वी गॉट इंटू माई आंट्स कार एग्जॉस्टेड बट इट हैड बीन सो मच फन एंड आई थॉट हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो मैनी पीपल डू सो मैनी डिफरेंट थिंग्स इन द सिटी दे हैव प्रोबेबली नेवर मीट each अदर बट इट इज़ their वर्क दैट टाइज them together एंड हेल्प टू मेक अप सिटीज अब आपने देखा कि किस कितना डिफरेंसेस है गांव के और शहर के काम में गांव में लोग किस तरह से अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं और शहरों में किस तरह से कहते हैं शहर और गांव की लाइफ में बहुत डिफरेंसेस है जो रूरल एरियाज़ की लाइफ है वो बहुत स्लो है लेकिन जो सिटीज अरबन्स एरियाज़ की लाइफ है वो बहुत ही फास्ट है मोस्टली लोग सर्विसेज करते हैं उनका अपना बिजनेस भी होता है गांव में सिर्फ फील्ड्स होते हैं खेत होते हैं उनमें या तो उनके खुद के खेत अपने परिवार के साथ काम करते हैं या फिर लेबरर होते हैं वो वर्क करते हैं इसके सिवा और बहुत ज़्यादा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं लेकिन इतना बिजी लाइफ नहीं होती जैसे शहर की होती है तो ये चैप्टर आपका यहीं पर एंड होता है